नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप्स क्या है और कैसे स्मॉल कैप से आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। अगर आप जैसे अभी 2020 में जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस हो गया, लुरुज लैब हो गया, इपका लैब हो गया, तो इस तरह के सारे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं आप स्मॉल कैप से और बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो बाय करेंगे आप, तो ये डायरेक्ट आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। ये म्यूचुअल फंड की तरह जो कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके पास नहीं रहेगा, ये आपके पास रहेगा। डायरेक्ट आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा स्टॉक्स, और जो डिविडेंड प्राप्त होगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ना कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पहले जाए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्मॉल कैप्स के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में, मतलब एक शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि स्मॉल कैप्स क्या होता है। फिर हम स्मॉल कैप्स के वेबसाइट पर चलेंगे, वहां पर आपको बताएंगे कैसे आप स्मॉल कैप्स से अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का एक बास्केट तैयार कर सकते हैं और कैसे बाय कर सकते हैं। तो सारी चीजों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्मॉल कैप क्या है, ए बास्केट ऑफ स्टॉक्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जो कि आपके किसी आइडिया पर बेस्ड होगा। जैसे आपको अभी फार्मा सेक्टर काफी परफॉर्म कर रहा है, तो फार्मा सेक्टर के सारे बेहतरीन स्टॉक्स का आप एक बास्केट बना सकते हैं, या जो पूरे स्टॉक मार्केट का, जैसे रिलायंस हो गया, और अभी आपको एससीएल टेक, इंफोसिस, और जो फार्मा के दो चार बेहतरीन स्टॉक्स है, और स्पेशलिटी केमिकल के कई सारे स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स काफी तेजी दिखा रहे हैं। साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से डिक्सन टेक्नोलॉजी है, तो ये सारे स्टॉक्स में काफी ज्यादा आग लगा हुआ है। तो इन सारे स्टॉक्स का आप एक बास्केट तैयार कर सकते हैं और वहां से एक क्लिक में आप सारे के सारे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो जानेंगे एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कि कैसे आप तैयार कर सकते हैं और कैसे आप बाय कर सकते हैं। इट इनेबल्स यू टू इन्वेस्ट इन आइडियाज रेदर देन स्टॉक्स। तो ये हमारा जो बेस्ड होता है किसी आइडिया पर बेस्ड होता है, जैसे 2020 के सबसे परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन कौन से, उसका बास्केट तैयार कर लेंगे। उसमें जब चाहें किसी एक स्टॉक को आप रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब एक स्टॉक को हटा भी सकते हैं, या उसके स्थान पर दूसरे स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, या बिना हटाए भी आप दूसरे स्टॉक को भी ऐड करना चाहते हैं उस बास्केट में, तो वो भी कर सकते हैं। या हम एक आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो आइडिया जो होता है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है, मिनिमम टू स्टॉक्स होनी चाहिए, और से अधिक आप जितना स्टॉक्स का एक आइडिया तैयार कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में लिखा हुआ है राइजिंग रूरल डिमांड, अभी जो रूरल डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसका एक आइडिया का आप बास्केट तैयार कर सकते हैं और एक क्लिक में आप यहाँ से जो है बाय कर सकते हैं सारे, मतलब उस स्टॉक को जो भी आपने ऐड किया है उसमें से, उसको ट्रैक कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, अपने जो भी, मतलब आपका जो भी ब्रोकर है, जिरोदा हो, एंजल ब्रोकिंग हो, उसके आप मैनेज कर सकते हैं आसानी से। तो अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं ओपन किया है तो जिरोधा में या एंजल ब्रोकिंग में, तो जाइए ओपन कीजिए। आपके पास तीन अकाउंट होनी चाहिए कम से कम, अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों करते हैं। सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक ही अकाउंट इनफ है आपके लिए, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक आपके पास जिरोधा होना चाहिए, एक एंजल ब्रोकिंग, एक और आप स्टॉक में या एलिस ब्लू में ओपन कर सकते हैं। ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर है, तो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाएं तो आपको बहुत ही कम खर्च में आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। उसके बाद कह रहा है स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट क्या है। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह से, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो यूनिट होता है म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास रहती है, लेकिन स्मॉल कैप्स में जो भी आप शेयर बाय करेंगे उसमें आप अपने जो आइडिया है या आपका जो बास्केट है वो सारा का सारा स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। तो ये बेनिफिट क्या होगा, तो जो डिविडेंड मिलेगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। अब कह रहा है क्या इट इज़ गुड टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स, क्या स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना गुड है। तो यहाँ पर आपको बात करें, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी बेनिफिशियल है। यहाँ पर आप जो है एक छोटे से अमाउंट में अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, मतलब उसमें ऐड कर दिया आपका बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो, मतलब एक छोटे अमाउंट में पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं लगता है बाय करने में, और जब आप स्मॉल कैप से एग्जिट होंगे तो कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जब आप पहली बार बाय कर लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा बाय करते हैं, उसी को ऐड करते हैं, तो एक फी चार्ज किया जाएगा 50 रुपीज़, जो फिक्स अमाउंट होगा, और प्लस GST 9 रुपीज़, मतलब 59 रुपीज़ एक फिक्स चार्ज लगेगा, चाहे आप कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कितना भी स्टॉक्स उसमें ऐड किए हुए हैं, तो मात्र 59 रुपीज़ का एक,
मतलब फिक्स चार्ज आपको लगेगा। उसके बाद कहता है कि हाउ कैन यू यूज स्मॉल कैश, आप स्मॉल कैश कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब ये तो हमने पहले ही बताया कि आपका किसी भी मतलब जीरोधा हो गया, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, किसी भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट होना चाहिए, तो ईजी ही होता है इसको यूज करना। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो ये सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बोला जाएगा अपने पार्टनर ब्रोकर के साथ। उसके बाद आता है कि हाउ कैन आई सेल माई स्मॉल कैश, स्मॉल कैश को आप आसानी से सेल कर सकते हैं, बस एक क्लिक करेंगे। आप जो बाय करके रखे हैं तो स्मॉल कैश की वेबसाइट से कर सकते हैं, अपने ब्रोकर के वेबसाइट से कर सकते हैं। सेल करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप स्मॉल कैश में किसी एक स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो उसका जो वहां पर परसेंटेज ऑफ वेटेज होगा उसको जीरो कर देना है, और जैसे जीरो करके आप उससे सेव करेंगे तो वो स्टॉक जो अपने आप आपका सेल हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके वेबसाइट पर, वहाँ प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, स्मॉल कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर वेबसाइट पर, स्मॉल कैश के वेबसाइट पर। आप डिस्क्रिप्शन देखिए लिंक से आ सकते हैं या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं smallcash.com। जैसे आप आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ पर आपको स्मॉल कैश लिखा मिल जाएगा। फिर यहाँ पर डिस्कवर है, आप यहाँ पर जो भी स्मॉल कैश यहाँ पर बास्केट बना हुआ है उसको डिस्कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भी बहुत सारे देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा स्मॉल कैश ब्रांड वैल्यू, तो बहुत सारे तरह का आएगा, रूरल डेवलपमेंट, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, तो हर तरह के जो स्मॉल कैश यहाँ पर बने हुए हैं बास्केट यहाँ पर आपको दिखाएगा कि उसका CGR कितना है। तो आप उस पर क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आ गया तो यहाँ पर लगातार आपको आते जाएगा इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले आपको लॉग इन करने बोला जाएगा अपने ब्रोकर के अकाउंट से। तो ये हो गया हमारा डिस्कवर पर, आप जाकर डिस्कवर कर सकते हैं। क्रिएटर पर जाकर के आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्मॉल कैश को, आप अपना जो भी इच्छा हो उसको क्रिएट कर सकते हैं। डिस्कवर पर बहुत सारे जो पहले से बास्केट बना हुआ आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वी आर हायरिंग, मतलब यहाँ पर आप चाहते हैं करियर बनाना स्मॉल कैश में, जॉब करना, तो यहाँ पर जा सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए जैसे साइन अप करेंगे तो आपको वही अकाउंट ओपन करने बोला जाएगा किसी ब्रोकर के द्वारा, या पहले से अकाउंट है किसी ब्रोकर में तो आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन कर लेते हैं बेहतर है कि क्योंकि एक क्लिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जानिए कि आपका पूरी तरह से सुरक्षित है, आप किसी भी ब्रोकर के साथ लॉगिन करते हैं क्योंकि एक ब्रांडेड है और आपके ब्रोकर के साथ इसका जो है टाइप है, तो पूरी तरह से आपका सुरक्षित है। यहाँ पर लॉगिन करना अपने ब्रोकर के साथ और वही ID और पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप डिस्कवर पर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर आपको सारे जो बास्केट बने हुए हैं वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो नीचे आइए, देखिए यहाँ पर सारा आइडिया फॉर न्यू इन्वेस्टर, यहाँ पर आइडियल फॉर न्यू इन्वेस्टर क्लिक करेंगे तो जो न्यू इन्वेस्टर है उसके लिए कौन कौन से बेस्ट बास्केट से वो आ जाएंगे। फिर नीचे चलिए, तो नीचे आप चलते जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं सेक्टर ट्रैकर, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कोई बास्केट चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। डिविडेंड एंड इनकम के लिए चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 3 स्मॉल कैश है, यहाँ 8 स्मॉल कैश है, देख सकते हैं। सेक्टर ट्रैकर 10 स्मॉल कैश है। यहाँ पर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स वाले में से कितना 3 स्मॉल कैश का बास्केट बना हुआ है यहाँ से चुन सकते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए 3 स्मॉल कैश है, तो यहाँ से आप जाकर के चुन सकते हैं। तो हम चलिए लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आए तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, देखते हैं। ट्रांसपोर्टिंग इंडिया, ब्रांड वैल्यू, ये सब नाम है इस स्मॉल कैश का। बैंकिंग प्राइवेटली, इनक्रेडिबल इंडिया, तो यहाँ पर इसका CGR देखते हैं, जो रिटर्न है 6.61% है। आप जाएंगे तो नीचे और भी बेहतरीन स्मॉल कैश है, यहाँ पर देखते हैं 19% का, मतलब 20% का CGR है। और नीचे चलिए तो यहाँ पर देखते हैं स्पेशलिटी केमिकल 31%, यहाँ पर ब्रिंगिंग द ब्लिंक ये हमारा है 15.61%। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है CGR, 31.26% का CGR है। या आप यहां से बैक जाएंगे या कहीं फिर से डिस्कवर पर क्लिक कीजिए, आप यहां पर सेक्टर वाले में जाएंगे तो और भी बेहतरीन आपको मिलेंगे। जैसे यहां पर हम नीचे आते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे जाकर के और भी बेहतरीन आपको मिलेंगे। जैसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए और भी बेहतरीन सब आपको मिलेंगे ग्रोथ इन्वेस्टिंग में। 35% का CGR, ये देख सकते 29.69% का CGR, यहाँ पर देख लीजिए 30% का CGR रेट, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं इस स्मॉल कैश के बारे में, मतलब ये जो बास्केट तैयार किया गया है उसका आइडिया क्या है। तो यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करके पूरा आप इस के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके इसमें कौन कौन से स्टॉक्स है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है लॉग इन विथ ब्रोकर, चलिए हम लॉग इन कर लेते हैं अपने ब्रोकर के साथ। तो यहाँ पर आप जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे अपने ब्रोकर को चूज करने बोला जाएगा। चलिए हमारा जीरोधा है, तो जीरोधा से जैसे आप चूज करेंगे आईडी और पासवर्ड डालेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। हमने आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, ये लॉगिन हो गया।
लॉगिन करने के बाद यहाँ पर स्टॉक एंड वेटेज देख सकते हैं, कौन से स्टॉक को कितना वेटेज दिया गया है इस बास्केट को तैयार करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मा से आरती ड्रग्स 16.66%, एलम्बिक फार्मास्यूटिकल 16.66%। तो यहाँ पर सारे आपको मिल जाएंगे किसको कितना परसेंट वेटेज दिया गया है इस बास्केट को तैयार करने में। फिर एरोस्पेस एंड डिफेंस से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल से दीपक नाइट्रेट्स को लिया गया है, मशीनरी से एस्कॉर्ट को लिया गया है, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से KNR कंस्ट्रक्शन को लिया गया है। तो ये बास्केट तैयार किया गया, देख सकते हैं सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, इसमें जो भी स्टॉक आप बात करेंगे काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। तो इस बास्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ बाय स्मॉल कैप पर क्लिक करेंगे। जैसे स्मॉल कैप पर बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इतना है। अगर आप प्लस 10,000 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लस 10,000 ऐड हो जाएगा। या आप यहाँ पर मंथली SIP करना चाहते हैं इसमें, मतलब मंथली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं मंथली क्लिक करेंगे, वन टाइम करना चाहते हैं तो वन टाइम पर क्लिक करेंगे। आप जितना अमाउंट है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जितना अमाउंट हो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप फिर यहाँ पर कंफर्म अमाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। जैसे आप कंफर्म अमाउंट पर क्लिक करेंगे ये आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो हमें तो इन्वेस्ट करना नहीं, हम आपको बता रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि बाय और सेल करके हम दिखाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बाय और सेल करते हैं। तो बाय तो यहाँ पर आप कंफर्म क्लिक करेंगे बाय हो जाएगा, और सेल कैसे करते हैं तो अगर पूरा और डिटेल में चाहते हैं कि पूरा एकदम सारे के सारे स्टॉक्स बताइए बाय सेल कैसे करते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी हमें स्मॉल केस को क्रिएट करना भी आपको बताना है। हम यहाँ बैक आ गए तो अब हम चलते हैं क्रिएट पर, स्मॉल केस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, मतलब आपके पास कोई आइडिया है आप उस आइडिया पर कैसे स्मॉल केस को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना क्रिएट न्यू स्मॉल केस, यहाँ पर अपना नाम डालना है, यह जो हमारा नाम होगा तो हम यहाँ पर नाम दे दिए न्यू मल्टीबैगर। इसमें आपको अपना ओवरव्यू डालना है, तो इट इज़ बेस्ट फॉर मी हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ये जो हमारा होगा इसमें हम अपना सारे स्टॉक को ऐड करेंगे जो हमें लगता है कि मल्टीबैगर रिटर्न देगा 2020 में, तो न्यू मल्टीबैगर नाम दे दिए। तो इसमें लिख दिए कि इट इज़ बेस्ट फॉर मी, आप डिटेल में लिख सकते हैं, हम यहाँ एग्जांपल के लिए दो चार वर्ड लिख दिए। अब इसमें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू मल्टीबैगर हमारा ऐड हो गया। अब इसमें आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, तो जैसे पहला हमारा हो गया रिलायंस, तो हम रिलायंस को ऐड कर दिए। जैसे रिलायंस पर क्लिक किए यहाँ पर ऐड आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन भी दिखाएंगे इस तरह के जो भी स्टॉक्स हैं। अब जैसे रिलायंस को ऐड किए तो यहाँ पर आप आएंगे तो इस कॉर्नर पर देखिए बहुत सारे इस तरह के जो सिमिलर स्टॉक्स हैं वो आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, ऑयल गैस और रिफाइनरी के जो भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से चाहते हैं किसी को ऐड करना तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जिस स्टॉक का आपका इच्छा है तो यहाँ पर क्लिक करते जाइए, यहाँ से ऐड करते जाइए। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, हमने लुरुज लैब को ऐड कर दिया, और उसके बाद हमारा आ गया डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी बेहतरीन है, इसको ऐड कर दिए, और जो भी बेहतरीन आपको लगता है वो ऐड करते जाइए। अतुल लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। उसके बाद फार्मा से और भी है इपका लेबोरेटरीज, इसको ऐड कर दिए, और ये हमारा IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सारे के सारे बेहतरीन, इस तरह के जितने स्टॉक आप चाहते हैं ऐड करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना है, जैसे सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा एक स्मॉल केस यहाँ बन गया, मतलब हमारा जो एक बास्केट हो स्मॉल केस का तैयार हो गया जिसका नाम है न्यू मल्टीबैगर। यहाँ पर आइकन लगा सकते हैं इट इज़ बेस्ट फॉर मी, अब यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिस स्टॉक को चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, जिसको चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। तो कस्टमाइज पर क्लिक करके आप जिसका वेटेज चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करके वेटेज बढ़ाते जाएंगे इसका नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ेगा। मतलब एक बार पूरे इस स्मॉल केस को बाय करेंगे तो इसका 13 स्टॉक बाय होगा, इसका 4 स्टॉक्स, इसका 2 स्टॉक्स, इसका 1 स्टॉक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी का 1 स्टॉक, अलुरुज लैब का 8 स्टॉक्स, रिलायंस का 4 स्टॉक्स। आप जैसे इसका हम बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते जाइए, आप ये वेटेज बढ़ते जाएगा, वेटेज बढ़ाते जाइए, जैसे वेटेज बढ़ाए 2 स्टॉक्स हो गया। तो इस तरह से जिसका वेटेज जितना चाहते हैं या इस पर क्लिक करके भी आप अपना वेटेज ले सकते हैं। जैसे इसका 30% लेना है, यहाँ 30 राइट कर दीजिए, ये 30% हो जाएगा और सारा खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। या आप अपना खुद का यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, ये 10%, ये 10%, ये 20%, ये 30%, ये हमारा 20%, ये फिर 20%, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें यहाँ कर सकते हैं।
और फिर यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा। अब सेव हो गया, अब यहाँ से बाय कर सकते हैं। बाय स्मॉल कैश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू आ गया, एक बार मतलब एक यूनिट इसका बाय करेंगे, एक यूनिट बाय करने में कितना लगेगा, 43,000 लगेगा। तो आप यहाँ पर चाहें तो क्लिक करके अमाउंट को एडजस्ट भी कर सकते हैं जितना चाहें, मतलब मिनिमम अमाउंट इतना होगा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका, आप जितना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो SIP होगा, अगर मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इसमें आपको करना पड़ेगा 43,000, इतना मतलब मिनिमम इतना आपको करना पड़ेगा। और अगले बार से जो अगर SIP आप इसमें करना चाहते हैं तो 16,000 का SIP होगा आपका। अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं तो वन टाइम पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर SIP हट जाएगा। आप एक बार में इतना इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको जो भी यह रेशियो चूज किया उतना स्टॉक्स आपका सब का सब बाय हो जाएगा। बाय कर लेते हैं फिर आप यहीं से मैनेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो स्मॉल कैश जो अपने आइडिया पर बेस्ट एक बास्केट होता है जिस पर आप काफ़ी अच्छा से एक ही जगह से सारे के सारे स्टॉक्स को एक टाइम में बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी डाउट्स है और जो भी वीडियो आप चाहते हैं स्मॉल कैश से रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हमें ये वीडियो चाहिए स्मॉल कैश के बारे में, इस चीज़ को बताइए स्मॉल कैश से रिलेटेड।